नमस्कार दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि हर वीडियो दोस्तों मैं बताता हूं कि आपको बिजनेस करने के लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बिजनेस करने के लिए एक आइडिया की जरूरत होती है दोस्तों। आपके अंदर एक ऐसा आग होनी चाहिए कि मुझे बिजनेस करना है, आपके एक चाहत होनी चाहिए कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बस इतना ही चाहिए दोस्तों। क्योंकि बिजनेस करने के लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं। आज मैं ऐसे ही एक भाई से मिलाने वाला हूँ जो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत ही छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं मामूली। आप भी अगर चाहो तो 500 रुपये लगा कर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही अच्छा खासा आपको रिस्पांस मिलेगा दोस्तों। खाली आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप अगर शर्म करेंगे तो कभी कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। लोगों की शर्म से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई किसी को कुछ कमा के नहीं देगा। आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके एक पैसों की भूख होनी चाहिए। और पैसे कमाने के लिए दोस्तों नौकरी से कुछ नहीं होने वाला, आप सभी को पता है। जो भाई नौकरी करते हैं उनको पता है, और जो नहीं करते उनको बता दो, नौकरी से खाली मात्र दो टाइम आप खाना खा सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो दोस्तों। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है आपको अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी देती है, और मैं आपको वीडियो में बहुत सारे बिजनेस आइडिया देता रहता हूँ दोस्तों। और आज की वीडियो में पूरा एक प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि आप देखो, मेरे बोलने से आपको कुछ लोगों को लगता है कि ये भाई साहब ऐसे ही कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन आज आपको एक प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि मात्र जिन भाई ने बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा बिजनेस कर रहे हैं, आपको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन उसमें भी डेली का वो 500 से 1000 रुपये आराम से कमा रहे हैं आज़ादी से दोस्तों। कोई टेंशन नहीं, एकदम हंसते खाते घूमते फिरते। अगर आप भी चाहते हो कि ऐसे हंसते घूमते पैसे कमाएं, आपको खाली शर्म त्याग देने दोस्तों आज ये बिजनेस फार्मूला बता रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं कि यही करना। मेरा कहने का उद्देश्य है, मेरा वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है कि आप जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो छोटा मोटा ही सही अपना खुद का बिजनेस कीजिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, आपको वीडियो में जानकारी मिलेगी कैसे एक भाई से आपको मिलवाऊंगा और वो आपको पूरी अपनी आप बीती बताएंगे, यानी कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और क्या आप भी उनसे इस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कमाना चाहते हैं कुछ पैसा और ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं दोस्तों, तो बिजनेस आपको करना ही चाहिए। तो फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। फटाफट आपको मिलवाता हूँ भाई साहब से। आज आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहा हूँ जिन्हें मात्र बहुत ही कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट किया था और अच्छा खासा पैसा कमा रहे, देख पा रहे भाई साहब यहाँ पे आ रहे हैं। भाई साहब आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताना है आपको कि आप ये छोटा सा अपना जो प्यारा सा बिजनेस कर रहे हो, अगर कोई मेरा दूसरा भाई जो व्यूअर जो वीडियो देख रहा है तो वो भी अपना ये काम कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? आप सबसे पहले ये बताइए, आप भी पहले इससे पहले क्या करते थे? आप नौकरी करते थे? कितने हज़ार की करते थे? 12-12.5 मिलता था, 12-12.5 हज़ार की आप नौकरी कर रहे थे, और आज आप अपना छोटा सा बिजनेस कर रहे हो। हाँ? तो आपको खुशी किस में है? वो नौकरी में खुश थे कि यहाँ पे इसमें फ्री है? इसमें आप खुश हो? अपने धंधे में आ जाते हैं, अपना बिजनेस करना चाहिए, कोई भी हो छोटा या बड़ा। अच्छा, कोई शर्म तो नहीं है? नहीं। अब बहुत लोग शर्माते हैं कि बोला ये ऐसा बेचेंगे तो भाई, आप सेठ के पास भी कहीं काम कर ही रहे हो, सेठ जो बोलेगा वही करवाता है सेठ, और क्या? और पगार भी महीने की कोई नक्की नहीं है, टाइम पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और क्या? और कहीं एक दिन घर पे जाना पड़ गया, कोई काम है बीमारी है तो आप छुट्टी नहीं मिलेगी? नहीं, छुट्टी नहीं मिलती। तो कहने का मतलब इससे आप खुश हो और बढ़िया खुश है अपने बिजनेस से? आप चाहे छोटा हो या बड़ा। तो आप डेली का एवरेज कितना कमा लेते हो? मैं अपने इस काम में अपने 700-800 रुपये डेली का कमा लेता। 1000 रुपये तक भी पहुँच जाती है गाड़ी? हाँ पहुँच जाती है, संडे वाले दिन, संडे वाले दिन 1000 रुपये हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी भाई की तरह अगर अपना शर्म छोड़ के अपनी रोजी रोटी अच्छे कमाना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप नौकरी से खाली दो टाइम खाना खा सकते हो, लेकिन बिजनेस से आप अपने जो सपने देख रहे हो वो पूरा कर सकते हो, कर सकते हैं। आज अपने बच्चों को जो भी चीज़ें हर जरूरत दिला सकते हो कि भाई साहब जैसा डेली 700-800 हज़ार रुपये तक कमा लेते हैं, तो यही 15 हज़ार कमा रहे थे एक फिक्स इनकम था, आज 30 हज़ार कमा रहे हैं। धीरे धीरे इस लाइन में आप बढ़ेंगे आगे। कितना टाइम हो गया आपको? करीब 5-6 महीने से। 5-6 महीने हो गए, तो अभी आपका आगे का क्या प्लान है? आप 5-6 महीने में पूरी प्रैक्टिस आपको हो गई है? जी पूरी प्रैक्टिस हो गई है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2-4 लड़के और रख के अपना खुद का बिजनेस और अच्छा मतलब काम को इसको बढ़ा देंगे। अभी आपको तजुर्बा हो गया है जी, अभी 2-4 अगर आप लड़के रखें, एक लड़का अगर आपको ज़्यादा नहीं 200 रुपये भी कमा के ला के देगा, तो 5 लड़के रख लिए तो 1000 आपको बैठे बैठे आएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, भाई साहब की तरह आप भी स्मार्ट वर्क करिए,
पहले प्रैक्टिकल करिए, आप खुद करिए, जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको तजुर्बा नहीं होगा। भाई साहब ने अभी छोटी सी एक मशीन लगा रखी है, मात्र 4-5 हज़ार की आती है, जो ये माल बनाने की। ये दो टाइप का माल है, इसका थोड़ा समझाइए इसमें क्या फ़र्क है। फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ उसका कलर का और थोड़ा एक निकाल के दिखा दीजिए कैसे कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, देख पा रहे हैं इनका क्या क्या प्राइस है। ये 10 रुपये में, ये 20 रुपये में। ये 20 रुपये का दोस्तों। तो इसमें माल इसमें ज़्यादा आता है जी? माल थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सा है, लेकिन खाली मतलब पैकिंग करने से इसका रेट बढ़ जाता है, कस्टमर खुश हो जाता है। मान लो चमक दिखाई देगी माल पे तो प्राइस तो अपने आप ही महंगा हो जाएगा। सीधी सी बात है, जैसी पैकिंग चाइना वाली बात है, जितनी अच्छी पैकिंग करोगे माल अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन पैकिंग अच्छी होगी तो पैसा आपको डबल मिलेगा। तो वही आपको दोस्तों यहाँ पे डबल पैसा कमाना है, ऐसी पैकिंग कीजिए। आप देखते हैं अगर थिएटर वगैरह में लेंगे जाएं तो यही 50-50, 100-100 रुपए तक बिकता है। मॉल में जाओ तो 50 रुपए में देते हैं। हाँ, यही चीज 50 में बिकती है। भाई साहब 20 रुपए में बेच रहे तो भी कमा रहे हैं इसमें। तो आप डेली का मतलब ये कितने पीस निकल जाता है आपका? ये मेरा 50 पीस निकल जाता है। और ये वाला? ये 100-150। 100-150। तो मतलब कुल मिला के आपका बचत की बात करें तो 700 रुपए मेरा, 700 रुपए कहीं नहीं गया है, यानी 20-21 हज़ार तो कहीं गया ही नहीं है। तो दोस्तों सबसे मेन बड़ी बात ये है कि 12 महीना 24 घंटा जिम में पैसा खत्म नहीं होता है। ये बात, ये देखो दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब के चेहरे पे अब स्माइल से पता चल गया कि हमेशा इनकी जेब में पैसा रहता है। कभी भी घर पे कोई दिक्कत आ गई, कभी 2000 किसी सेठ की नौकरी करेंगे तो जेब में पैसा कभी नहीं रहेगा। भले आप 50 हज़ार की नौकरी भी करेंगे तो एक दिन पैसा आएगा, अगले दिन चला जाएगा, क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा है। तो कहने का मतलब डेली 24 घंटे पैसे रहेंगे आपके पास, खुद की ज़िंदगी रहेगी, जब चाहो आप बैठ जाओ, जब चाहो काम करो। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, भाई साहब का आज काम देख के मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाता हूं दोस्तों। तो भाई साहब की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको इनसे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे ही छोटे छोटे बिजनेस आइडिया आपके लिए बताता रहता हूँ, तो आप हमेशा वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि सभी व्यूअर जो देख रहे हैं उनका तो पहले दिल से धन्यवाद करता हूं, और कहना चाहता हूं कि मैं खुद वो अपना बिजनेस करें, चाहे छोटा करें या बड़ा करें, काम अपने हिसाब से करें, भले ही जरूरी नहीं है आपको यही करना है। एक चाहो तो ये बिजनेस भी आप 500-1000 रुपये में स्टार्ट, रेडीमेड भी आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो अगर आप डायरेक्ट मशीन नहीं लेना चाहते हो तो इस टाइप का आप लेके अपना पैकिंग खुद लेके मतलब 500 रुपये में भी स्टार्ट हो जाएगा ये काम। आप कहीं जो भी भाई मशीन लिए हो आपको लोकल मार्केट में पता कर लेना है और मिल जाएगा, उसके बाद आप मशीन परचेज कर लेना। जैसे पैसा कमा के 5-6 हज़ार की मशीन है, फिर आप अपने लड़कों से माल बिकवा सकते हैं, अच्छा खासा दोस्तों पैसा कमा सकते हैं। आप जितना दिमाग लगाएंगे उतना पैसा कमाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।